हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मदार। आप सब लोगों का आज की इस नई वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो में ये कंफर्म करूंगा कि अगर आप बैटरी का काम करना चाहते हो या फिर अगर आपके मन में कोई भी बिजनेस करने का विचार है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, अगर आप बैटरी का काम में इंटरेस्टेड हो तो आपको कितने रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा और उसमें जो है आपका प्रॉफिट कितने परसेंट है और साल का या फिर महीने का कितना प्रॉफिट आपको होगा कितना इन्वेस्ट करने पर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होंगी अगर बैटरी का काम। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैटरी का काम बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्यों? गारंटी का फंडा होता है, वारंटी का फंडा होता है, रिप्लेसमेंट का फंडा होता है और उसका होम सर्विस का फंडा होता है, कंप्लेंट का फंडा होता है, ये सब देखना पड़ता है दोस्तों। तो आप अगर दोस्तों आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, अच्छा बिजनेस करना चाहते हो तो आप और भी बहुत सारे बिजनेस हैं लेकिन जो बैटरी का काम करना ही चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले मैं आपको अपनी शॉप जो है वो दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा जो बैटरी के काम में जर्नी है वो लगभग 10 साल की है। पहले तो मैंने 5 साल काम को सीखा, 5 साल मैंने अपने काम को स्टार्ट करे हुए हो गया, लेकिन दोस्तों अभी मेरा जो टर्नओवर है 2021 का वो 70 लाख रुपये साल का प्लस है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 2022 में इसको और बढ़ाया जाए क्योंकि मैंने जब जिस साल काम को स्टार्ट किया था उस साल बहुत कम था, धीरे धीरे ही मैंने ग्रो किया और 2 साल का लॉकडाउन का पीरियड भी पड़ा जो कि मेरे सीजन के टाइम ही लॉकडाउन लगा रहता था। तो फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ अपनी शॉप, फिर हम बात करते हैं बहुत ज़रूरी बातों पर, तो देखते रहिए एंड तक। दोस्तों, ये मेरा खुद का अपनी जगह में शोरूम है, ठीक है, जो कि मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, ये आप देख सकते हो। और अभी मैं वीडियोस बना रहा था, यहाँ पर इन्वर्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर सोलर वाली बैटरी हैं और यहाँ पर इन्वर्टर वाली बैटरी हैं, ये भी इन्वर्टर वाली बैटरी है, ये भी इन्वर्टर वाली बैटरी है और यहाँ पर जितना भी है सब सोलर है, मतलब सोलर बैटरी और सोलर पैनल। सबसे पहले आपको एक 5-5 हज़ार रुपये का एक काटा भी लेना होगा जो कि पुरानी बैटरी आती है उनको खरीदना जाता है तोल कर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रैप बैटरी, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक काउंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, इस टाइप की एक अलमारी की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप आपके हिसाब से, मतलब शॉप के हिसाब से। और वहाँ पर थोड़ी सी जो जगह है आपको पुराने माल को इकट्ठा करने के लिए भी होगी जो कि 2-5 क्विंटल ही हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो गाइस, आपको इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको एक इन्वर्टर चाहिए होगा जो कि किसी भी बैटरी में कंप्लेंट आया तो उस पर आप, या इन्वर्टर में, तो आप उस वहाँ पर लगा सको, उनके घर में अंधेरा ना रहा है। आज के टाइम में आज का जो यूथ है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव है, उनको हैंड टू हैंड चाहिए जो भी चीज़। और एक दो बैटरी आपको सर्विस के लिए बनानी होगी जो कि आपके वो सर्विस पे लगा सको आप घर पे बंदे के। और एक इस टाइप का छोटा चार्जर भी बनवाना होगा जो कि 1000-2000 रुपए का बन जाएगा जो कि किसी भी बैटरी की गारंटी उठाने के लिए या फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए होगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी थोड़ा सा जो पुरानी बैटरी से एसिड निकलता है वो तो आपका काम बाद में हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपको देख लीजिए, देख लिया आपने अच्छे से। और यहाँ पर एक 340 वाट का पैनल है, बाइक की बैटरी है, सोलर चार्जिंग कंट्रोलर है। अभी मैं आपको और जानकारी देता हूँ। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को मेरा शोरूम, मेरी शॉप पसंद आई होगी। अगर 1% भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कम इन्वेस्टमेंट करो, जितने ज़्यादा रुपए आप बिजनेस में किसी भी व्यापार में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाते हो तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। मैं ये कहूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि मेरी लाइफ जर्नी, जैसे कि मैंने 2,20,000 रुपये से काम स्टार्ट किया था 2016 में आखिरी महीने में, दिसंबर नवंबर के समथिंग, और 2,20,000 रुपये से मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत छोटी थी और मैंने अपने काम को स्टार्ट किया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में। मेरी शॉप भी इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे कंपनियों के बारे में भी नॉलेज नहीं थी, मुझे बैटरी के काम के बारे में नॉलेज तो थी, ये तो पता था कि जहाँ मैंने काम किया था ये प्रॉब्लम्स आती हैं, फिटिंग करने जाना पड़ता है, कंप्लेंटों पे जाना पड़ता है, कस्टमर परेशान भी करते हैं और ये होता है क्योंकि कोई कहता है मेरी बैटरी ख़राब है, मेरी बैटरी सही बैटरी को ख़राब बता देते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, तो ये चीज़ आपको झेलना पड़ेगी बैटरी के काम में आपको। और हाँ, बहुत अच्छा काम है लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो क्योंकि दोस्तों पुरानी बैटरी आती हैं उनको भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है, और भी जैसे पुराने इन्वर्टर आते हैं उनको भी खरीदना पड़ेगा। तो ये चीज़ के लिए सबके लिए पैसा चाहिए और जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा आपको इनकम होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि 3 लाख रुपये से कम लगाना बेकार है, गलत है, ठीक है। और ये भी नहीं कि एकदम 50 लाख लगा दिया, आपको नॉलेज नहीं है फिर भी, तो ये सब चीज़ों को आपको देखना है। और आपको 2 इन्वर्टर और 2 बैटरी आपको कंप्लेंट पे देने के लिए, सर्विस पे देने के लिए बनानी होगी जो कि आपको लिए आसानी से बना सकते हो। ओल्ड बैटरी ले सकते हो किसी शॉप से, ई रिक्शा की बैटरी ले सकते हो, एक काटा लेना होगा जो कि पुरानी बैटरी आए तो उसे तोल के खरीद सको। 2,20,000 से मैंने काम को स्टार्ट किया था और समथिंग आज मेरा जो पुरानी बैटरी मेरी शॉप पर पड़ी है
लगभग लगभग 3-4 लाख रुपए की पुरानी बैटरी पड़ी हुई है और 7-8 लाख रुपए उधारी भी है, जो कि हमारे एरिया में गांव का एरिया है, तो जहाँ यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उधार हो जाता है। उधार ये हो जाता है, कोई इन्वर्टर बैटरी लेने आया, उसने 5,000 रुपए दिए, बाकी उधार कर दिए, तो ये बहुत हमारे एरिया में होता है, तो हमें इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। और आपके एरिया में ऐसा हो सकता है कि ना हो, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए लगाते हो तो आपको हर कंपनी के, हर ब्रांड के, हर मॉडल नंबर, हर मॉडल अलग अलग मिल जाएगा, जो कि आप अच्छी इनकम कर सकते हो। जो भी कस्टमर आए वो आपकी शॉप से लौट के ना जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूंगा, बता दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम है या ट्विटर पर फॉलो करते हो तो ट्विटर पर भी या इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। हाँ दोस्तों, तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा अच्छा सा टर्नओवर है, लगभग 70 लाख रुपए साल का टर्नओवर है। अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि 2022 में मैं अपने टर्नओवर को 1 करोड़ रुपए के समथिंग ले जाऊँ, तो बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूंगा, जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स बाय बाय, गुड बाय।